साउथ कश्मीर के शोपिया में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकियों में हिजबुल कमांडर लतीफ टाइगर भी शामिल है। टाइगर उन 10 आतंकियों में आखिरी कमांडर था जो बुरहान वामी से जुड़े थे। 1999 में आए सुपर साइक्लोन के बाद सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा फैनी शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे ओडिशा के पुरी तट से टकराया। इससे कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, हजारों पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, निचली बस्तियों में पानी भर गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राजस्थान के सीकर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर तंज कसा। पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर की संपत्ति जब्त कर ली है, साथ ही उसके विदेश जाने आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अजहर पर हथियारों की खरीद बिक्री पर भी बैन लगाया गया है। लखनऊ सीट पर लड़ाई रोचक होती जा रही है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूनम सिन्हा के पक्ष में शुक्रवार को उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने रोड शो किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। चौथे फेज की वोटिंग में वोट न कर पाने को लेकर अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी सिटीजनशिप को लेकर इतना नकारात्मक माहौल क्यों बनाया जा रहा है। मैंने कभी इस बात को ना तो छिपाया और ना ही मना किया है कि मेरे पास कनाडा का पासपोर्ट है। ये भी सच है कि मैं पिछले 7 सालों से कनाडा नहीं गया हूँ। मैं भारत में ही काम करता हूँ और भारत में ही टैक्स देता हूँ। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मॉनसून रहने की भविष्यवाणी की है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और कम जल भंडारण के प्रभाव के चलते बारिश में अलग अलग जगहों पर स्थिति बदल सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर चुनाव आयोग ने आचार संहिता के कारण पहले ही रोक लगा दी थी, वहीं अब बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी पर बनी फिल्म पर भी आयोग ने रोक लगा दी है। हालांकि ये फिल्म ममता की बायोपिक नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर बनी बायोपिक अब 24 मई को रिलीज होगी। फिल्म के निर्माताओं ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि फिल्म लोकसभा चुनाव के नतीजों के अगले दिन यानी 24 मई को रिलीज होगी। आईटी और टेक कंपनियों के शेयरों में रही बिकवाली के कारण भारतीय शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को मामूली गिरावट के साथ सपाट स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 18 अंकों की गिरावट के साथ 39,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से लुढ़ककर 38,963 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 12 अंकों की गिरावट के साथ 11,712 अंकों पर बंद हुआ।